नमस्कार, आईएनसी टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं भूपेंद्र नारायण सिंह। महंगाई की मार, देश में हाहाकार और चुपचाप और खामोश है मोदी सरकार। तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, सीएनजी पीएनजी के भी दाम लगातार बढ़ रहे हैं चुनाव के दौरान। इसका अंदाजा कांग्रेस पार्टी के ढेर सारे नेताओं ने भी किया था। कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी ने भी कहा था कि तेल के दाम चुनाव के बाद बढ़ जाएंगे। आपको याद दिला दें कि ये तेल के दाम उपचुनाव में हिमाचल में जब बीजेपी हारी थी तो तेल के दाम कम कर दिए थे, बीजेपी जीती है तो अब तेल के दाम बढ़ गए हैं। हमारे साथ पेट्रोलियम मामले के एक्सपर्ट, अगर कहें तो एक्सपर्ट रिसर्च, जिन्होंने बहुत ही गहरी तरीके से रिसर्च की है। शायद किसी टेलीविजन या अखबार में वो आंकड़े नहीं मिलेंगे जो इन्होंने ढूंढ के निकाले हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर विनीत पुनिया, जो कि कांग्रेस के नेता भी हैं और ऐसा रिसर्च निकाल के आए हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि डेली 80 पैसे जो हैं वो दाम बढ़ रहे हैं और लगातार दाम बढ़ रहे हैं, तो ये जब लगातार दाम बढ़ते हैं तो इसका इम्पैक्ट जो है हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, बस हम पढ़ते हैं कि अच्छा 80 पैसा बढ़ा, 80 पैसा बढ़ा, लेकिन अगर हम जोड़ें तो वो कितना पहुंचेगा? ये बहुत रोचक बात आपने पूछी है कि 80 पैसे बढ़ता है तो कितना बढ़ता है। दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है, उनको समझाना बहुत जरूरी है कि जब आप देखिए, जब ये शुरू हुआ 16 जून 2017 को, तब दिल्ली में पेट्रोल था 65 रुपए 48 पैसे, डीजल था 54 रुपए 49 पैसे। हर रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ते 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 आज वो 98 रुपए 99 रुपए तो पेट्रोल हो चुका है और 90 रुपए डीजल हो चुका है। मतलब कि 40-45 रुपए बढ़ा दिए ये पैसे पैसे करके और जनता को पता भी नहीं लगा। उनको लगा कि 80 पैसे बढ़ रहे हैं, 90 पैसे बढ़ रहे हैं, 20 पैसे बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आकलन जो आपने रिसर्च निकाला है ये तो तकरीबन 45 और 40 रुपए की वृद्धि होगी। ये देश के साथ धोखा हो रहा है, ये जनता के साथ धोखा है, ये देश के हर उस गरीब आदमी के साथ धोखा है, हर उस मध्यम वर्गीय व्यक्ति के साथ धोखा है जो ये सोचता है कि वो टैक्स नहीं देता। इस माध्यम से मोदी सरकार ने सबसे ज्यादा मध्यम वर्गीय और आम लोगों पर टैक्स का बोझ डालने का जो तरीका निकाला है, जो फॉर्मूला निकाला है, जो नीति निकाली है, बहुत शर्मनाक है, बहुत चिंताजनक है। और उससे भी बड़ी चिंता है, मुझे इस पे होती है कि हमारे देश का मीडिया जो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, जो कहता है कि हम इस देश में लोकतंत्र पर की सुरक्षा करेंगे, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, वो इस पर चुप है। देखिए, जो जेब से, जनता के जेब से पैसे निकल रहे हैं उस पर चर्चा नहीं हो रही, फिल्म नहीं बन रही है, कश्मीर फाइल्स की चर्चा हो रही है स्टूडियो में, लेकिन झटाझट 40-45 रुपए जेब से निकाल लिया 80-80 पैसे कह के, ये बहुत बड़ा जो है वो कह सकते हैं कि जेब से पैसा निकाला है। एक महत्वपूर्ण बात ये जानना चाह रहे हैं कि जो सरकार है, और ये लेमैन लैंग्वेज में समझाइए, सरकार को पेट्रोल और डीजल कितने में पड़ता है और वो जो आखिरी व्यक्ति है हमारे जैसे उपभोक्ता है ढेर सारे लोग, उनको कितने का पड़ता है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने बात पूछी। ये मेरे पास 16 मार्च 2022 का आंकड़ा है। 16 मार्च 2022 को जब ये वृद्धि होना शुरू हुई उससे जस्ट पहले का आंकड़ा है। पेट्रोल और डीजल जो क्रूड ऑयल से बनता है, क्रूड ऑयल लगभग उसी रेट पर था जिस रेट पर आज है, उसमें कोई ज्यादा बढ़ोतरी और घटोतरी नहीं हुई है। उस समय देश की सरकार पेट्रोल पंपों से, कंपनियां, तेल की कंपनियां पेट्रोल पंपों को जो ईंधन, जो पेट्रोल सप्लाई करती थी, बेस वैल्यू जिसको कहते हैं, वो बेस वैल्यू जिसके अंदर कंपनियों का मुनाफा भी शामिल होता है जी, वो 49 रुपए 34 पैसे डीजल और 47 रुपए 99 पैसे, यानी 48 रुपए, ये जो बेस प्राइस है वो 49 रुपए और 47 रुपए, ये बेस प्राइस है। इस बेस प्राइस पर भारत सरकार एक्साइज ड्यूटी लेती है, जो पेट्रोल पर 21 रुपए 80 पैसे, डीजल पर नहीं, पेट्रोल पर 27 रुपए 90 पैसे और डीजल पर 21 रुपए 80 पैसे है, जो डीलर कमीशन होता है हर लीटर पर। अगर हम 40 लीटर डलवाते हैं तो भी प्रति लीटर के हिसाब से लगता है 2 रुपए 57 पैसे डीजल पर, 3 रुपए 77 पैसे पेट्रोल पर। इस सरकार ने ही ये पेट्रोल और डीजल पर कमीशन भी बढ़ाया है। उसके बाद वैट जो प्रदेश की सरकार लेती है, डीजल पर है वो 12 रुपए 68 पैसे और पेट्रोल पर है 15 रुपए 50 पैसे। लगभग मैं कहूंगा कि आधी कीमत जो है टैक्स है और आधी कीमत वास्तविक मूल्य है पेट्रोल और डीजल का,
अगर सरकार की नीयत ठीक हो, जिस प्रकार से यूपीए की सरकार करती थी, कांग्रेस की सरकार करती थी, कांग्रेस के टाइम पे जो आज ये बात चलती है, बार बार कहते हैं कि क्रूड ऑयल महंगा हो गया है, इस कारण से हम महंगा दे रहे हैं, तो मैं उस बात का जवाब देने के लिए बहुत ही एक सेकंड में एक आंकड़ा दिखाना चाहता हूं, जिससे आपको सारी क्लैरिटी हो जाएगी। आप देखेंगे कि जब 2004 से लेके 2014 तक यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उस समय $105, $107, $111 ये आखिरी तीन साल में $111, $107, $105 प्रति बैरल रेट था क्रूड ऑयल का। लेकिन जो हमारा पेट्रोल और डीजल था वो ₹71 और ₹51.55 था, और उसके बावजूद भी भाजपा के लोग कहते थे कि देखो बहुत महंगा हो गया है। देश का मीडिया कहता था अरे इतना महंगा पेट्रोल और डीजल, और हमारे जो अभिनेता हैं मैं उनको कहना चाहूंगा कि क्या आपको देश की जनता की कोई चिंता नहीं है? क्या आप इनकम टैक्स की रेट से, ईडी की रेट से, ईडी का जो राज चलाया है इस सरकार ने उससे इतने घबरा गए हैं कि आप असली मुद्दों पर, सही मुद्दों पर जनता की आवाज को नहीं उठाते? लेकिन वो पुराने ट्वीट निकाल के लोग जो है उन्हें किसी से कहें आईना दिखा रहे हैं। तो आपने बताया कि यूपीए के टाइम में ये क्रूड ऑयल होता था, और आज का, बीजेपी के टाइम में क्रूड ऑयल रेट और ये है, देखिए $70, $60, $44, $44.82, ये सरकार का आंकड़ा है, ये मेरा व्यक्तिगत आंकड़ा नहीं है, ये पीपीएसी जो है सरकार का इदारा है उसी का आंकड़ा है। और मैं इस साल में जो चल रहा है, जो सो काल कहते हैं महंगाई आ गई है, उसमें भी 2021-22 का आंकड़ा है, अप्रैल में $63, $66, $71, $73, $69, $73, $82, $80, $73, $84, ये है सच्चाई जो देश का मीडिया लोगों तक नहीं पहुंचा। लेकिन उस पर तो ये कहते हैं कि ऑयल बॉन्ड की वजह से जो है वो दाम बढ़ाते हैं। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, ऑयल बॉन्ड का नाम लेकर व्हाट्सएप से लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। ऑयल बॉन्ड कोई पहली सरकार नहीं थी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार जिसने ऑयल बॉन्ड जारी किए, उससे पहले जब वाजपेयी जी की सरकार थी, उस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने भी ऑयल बॉन्ड जारी किए थे, जिन ऑयल बॉन्ड्स को कांग्रेस की सरकार ने 2004 से 14 के बीच में भरा था। हमने चिल्लाया नहीं था, हमने नहीं कहा था कि देखिए तुम्हारे ऑयल बॉन्ड्स के कारण ये महंगाई है। मैं साफ कहना चाहता हूं, ये जो झूठ फैलाया जाता है कि 40,000 करोड़ रुपए के ऑयल बॉन्ड थे, अगर मैं उस सारी चीज को मान भी लूं तो इस सरकार ने 26,50,000 करोड़, ध्यान से सुनिए, 26,50,000 करोड़ रुपए पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कलेक्ट किए हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स का, ये हमारे हमारे जेब से, जनता की जेब से इतने पैसे इकट्ठे हुए इस महंगाई के कारण। जैसे मैंने आपको दिखाया, जैसे आपको बताया कि जैसे हर रोज 10 पैसे, 20 पैसे, 50 पैसे, 80 पैसे बढ़ाकर जो ये बढ़ाया जा रहा है, आपने वो तो 50-40 रुपए तक बढ़ गए दाम, ये उसी के कारण आज हमारी ये हालत है। और ये सरकार ने इस देश की जनता को लूटा है, देश की जनता को जागरूक होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आपकी जेब से, आपकी जानकारी के बिना लूट हो रही है, और वो लूट कोई और नहीं कर रहा, देश की सरकार कर रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये पूरा खुलासा करने के लिए, और ये जो जन लूट हो रहा है उसके ऊपर खुलासा करने के लिए। उम्मीद है सड़कों पर जनता आएगी जिस तरह से। हाँ, एक जरूरी सवाल और जरूरी अपील मैं जनता से करना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं कि कांग्रेस महंगाई के मुद्दे को क्यों नहीं उठा रही, उन सबको मैं कहना चाहता हूं, मैं सबसे अपील करना चाहता हूं कि देखिए कांग्रेस अगले 10 दिन में, 15 दिन में एक बड़ा आंदोलन देशव्यापी रूप से करने जा रही है, 7 तारीख को, 7 अप्रैल को, 4 से 6 अप्रैल को, और उससे पहले भी हम एक बहुत बड़ा देशव्यापी, देश के हर जिले में, देश के हर घर के सामने हम एक बड़ा आंदोलन लेकर आए हैं। मैं जनता से अपील करना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं कि कांग्रेस को महंगाई के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, मैं उन सभी से कह रहा हूं कि प्लीज इस आंदोलन का हिस्सा बनिए, इस आंदोलन में भाग लीजिए, और ज्यादा से ज्यादा तादाद में पहुंचकर इस सरकार को, जो बहरी सरकार है, जो जनता की आवाज नहीं सुनती है, जो जनता की तकलीफ को महसूस नहीं करती है, उस सरकार को जगाने का काम करें। और आप अगर जितना ज्यादा संख्या में बाहर निकल कर आएंगे, महंगाई पर चोट लगेगी, इस सरकार को थोड़ा होश आएगा,
ये उसी तरह होश आएगा जैसे वो हिमाचल के उपचुनाव आए थे और पार्टी हार गई थी तो एकाएक दाम कम किए गए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो आंदोलन की बात आप कर रहे हैं, मैंने तो पार्लियामेंट के अंदर भी देखा, संसद के बाहर सड़कों पर भी देखा, युवा कांग्रेस, कांग्रेस महिला कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिसिया तंत्र उन पर भारी है। फिलहाल उम्मीद करते हैं कि जनता जो है वो जागेगी, वैसे ही जागेगी जैसे एक बार जब प्याज के दाम बढ़े थे तो सरकार गिर गई थी। उम्मीद करते हैं इस महंगाई के खिलाफ लोग उतरेंगे। इस बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए INC TV। नमस्कार।